Hello guys, welcome back to our channel Shavi Life in Abroad. We are planning what we can do in new year for 2023 that is coming very soon. So we have 2 days for visit. If we will go tomorrow, so we will stay for a night. The next day will be office day for Ravi. So anyhow, we have to come back on 1st of Jan. हमें टाइम मिल गया ना एक्चुअली लास्ट मोमेंट में टू डेज का, तो हम सोच पा रहे हैं कोब्लेंस थोड़ा सा सही पड़ेगा मुझे। कल से वहाँ पे कुछ जगह है घूमने लायक, जो आपको मतलब अगर आप कहीं और नहीं भी जाओगे किसी जगह तो वहाँ पे थोड़ा सा लोकेशन अच्छी है। मेरा मूड था बेल्जियम जाने का, बट मैं भी यही सोच रही हूँ अब, क्योंकि 2 डेज हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम बेटर है कि थोड़ा ऐसी जगह जाएं जहां पर हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सके। और मेन चीज़ है ना कि विंटर्स विजिट का क्या है वहां पे। एंड मीन वाइल आई एम थिंकिंग टू मेक समथिंग स्वीट विच माई टमी रियली वॉन्ट्स, सो आई एम मेकिंग पैनकेक। दीज आर दी कुकीज माई फ्रेंड ब्रॉट फॉर मी एंड दीज आर वेरी स्पेशल। शी वॉज टेलिंग कि ये जो बिस्किट्स हैं वो प्रॉपर आखन के फेमस हैं, बट यू कैन गेट एनीवेयर इन जर्मनी नाउ, बट दीज आर स्पेशल। एंड दिस इज द पोटल ऑफ ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल, जिसे हम बोलते हैं ना कि हमारी ये सरसों का तेल घर का है। और मैं वैसे भी कुकिंग में हमेशा ऑलिव ऑयल यूज करती हूँ। But I'm thinking Koblenz is good place to visit because it having good sights. This place is good for winter visit and there's no snow, right? So it means anyhow it's good. Okay. So where is this place exactly? It's a between Frankfurt and our place. So it means kind of from here it's around 155 kilometer far. 155 kilometer far. Yes. So what are you preparing, Shan? Pancakes. तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमने क्या डिसाइड किया है, हम जिस जगह जा रहे हैं, और कल और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और अभी बना रही हूँ पैनकेक, तो बस बनने के बाद जल्दी से खाने के मूड में हूँ, तो अभी कुछ और समझ में नहीं आ रहा है। Only the last job. Shh, honey. With this lovely and sweet dish which we are going to eat right now, we can't wait, but wish you happy new year. Welcome 2023, and I wish you your new year will be fulfilled with happiness and joy, and all the wishes will come true in your life. And I always pray to God for everyone. And channel ko bhi subscribe kar dijiye, video ko bhi like kar dijiye, please. Hello guys, good morning, welcome back to our channel Shavi Life in Abroad. और हम निकल चुके हैं घर से कोब्लेंस के लिए, because हमने आपको planning से related clip भी दिखाया जिसमें कि हम बहुत confused हो रहे थे, but finally मैं ये बोलने से पहले आपको view दिखाती हूँ सामने का। बट फाइनली कोब्लेंस आने का प्लान हमारा डिसाइड हो गया है। और आज वहां पर पहुंचने के बाद, होटल में चेक इन करने के बाद, क्योंकि वन नाइट हम वहीं पर स्टे करने वाले हैं, तो कोब्लेंस जर्मनी में ही एक सिटी है जो कि फ्रैंकफर्ट के पास में ही है। और सामने का व्यू बहुत ही खूबसूरत है, सामने का ही नहीं आजू बाजू का भी व्यू बहुत प्यारा है। एक्चुअली हमें कुछ परचेसिंग वगैरह करनी थी न्यू ईयर के उपलक्ष्य में, तो वही थोड़ा बहुत हम परचेजिंग करके और फिर निकले, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। और स्काई कितने सुंदर लग रहे हैं यार, वाओ, व्हाट अ व्यू, वेरी नाइस। और मौसम भी आज का वो ठिठुरने वाली ठंडी रही है बहुत ज्यादा, लेकिन हवा है, हवा बहुत अच्छी लग रही है, वैसी वाली हवा है, अच्छी लगने वाली। क्या
अच्छा फील करोगे, आपको ठंडा नहीं लगेगा कि हम ठंड में निकले हैं घूमने, हम जा रहे हैं, कितना वर्थ होगा, कितना एंजॉय कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हम एंजॉय कर सकते हैं, ऐसा वेदर है, हल्का हल्का सनी है, क्लाउडी है, विंडी भी है, सो दिस वेदर इज गुड फॉर विजिट। आज हम कोबेंस पहुंचने के बाद, चेक इन करने के बाद होटल में, फिर वहीं आसपास की जगह विजिट करेंगे। रवि को शायद थोड़ा सा अंदाजा है, रवि कभी उधर से निकले हैं तो उनको था कि वो बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत प्लेस है, तो हम वहां चलते हैं और वो वन डे के हिसाब से ठीक है, और फिर नाइट में स्टे करके वहीं पर सेलिब्रेट करेंगे न्यू ईयर, एंड देन टुमारो वी विल कम बैक एट होम। सो ये है प्लान हमारा, और चलिए हमारे साथ आप भी चलिए और देखते जाइए सुंदर सुंदर नज़ारे, और हमारा सेलिब्रेशन भी आप लोग के साथ शेयर होगा, आप लोग की सारी मुरादें पूरी हों और ऊपर वाले की मेहर हम सब पर बनी रहे, और हम सब अच्छा सोचें, अच्छा कर्म करें और जीवन में खूब ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। तो यार यहाँ का बिल्कुल अलग ही है, देखो ना कितना सुंदर है, यहाँ का बिल्कुल ही अलग है, बहुत प्यारा स्काई लग रहा है, स्काई बहुत प्यारा है, वेदर तो अच्छा है ही है। आज मॉर्निंग में एक्चुअली हमारे लोकेशन में, आई थिंक सभी जगह जर्मनी में ऐसा था कि मॉन्चन ग्लेडबैक में ही ऐसा था कि बहुत ज़्यादा विंडी था, बहुत ज़्यादा विंडी। रात में हम लोग को ऐसा लग रहा था तूफान आ गया क्या, मतलब इतना ज़्यादा विंडी था रात में। तो मैं वैसे भी कई बार मेरा उठना हो जाता है आजकल, बट वैसे भी मतलब नींद में भी लग रहा था यार, लेकिन नींद में भी लग रहा था कि हाँ कुछ हो रहा है। तो यार अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वर्थ हुआ मेरा यहाँ आना यार न्यू ईयर में। आज मुझे लग रहा है कि रवि ने बिल्कुल बढ़िया जगह डिसाइड करी है जाने के लिए, क्योंकि ये देखिए इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि रवि ने जो डिसीजन लिया कि यहाँ चलते हैं, वेरी ब्यूटीफुल, ऐसा लग रहा है कि हाँ हम जिस लोकेशन में रहते हैं उससे किसी डिफरेंट लोकेशन में, बहुत ही प्यारी लोकेशन में हम जा रहे हैं। यहाँ पर है रवि, रवि इज ड्राइविंग, आखन से होते ही जा रहे हैं, आखन भी बहुत अच्छा है। मॉर्निंग में भी हम थोड़ा लेजी होके उठे, उठ तो टाइमली गए थे, हमने जिस हिसाब से अलार्म सेट किया था उठ तो उस हिसाब से गए थे, बट थोड़ा लेजी थे कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, रवि का मूड कुछ ऐसा मुझे डाइसी लगा, फिर मैं तो रेडी हो गई टाइमली, मुझे पता था कि ये उन्होंने प्लान करा है अगर रवि ने तो डेफिनेटली वी विल गो, तो बेटर है कि रेडी सून, इसलिए मैं रेडी हो गई। फटाफट हमने ब्रेकफास्ट अच्छे से किया, थोड़ी शॉपिंग करी एंड हम निकल गए घूमी करने के लिए, और हमें ज़रूरत लगेगी तो बीच में हम पॉज भी ले लेंगे, बिकॉज ये जो हमारा रूट है ये 2 आवर्स में लगभग कवर होगा। So right now we are here, Deutsch इसी के, और बहुत ही पीसफुल जगह है, काफ़ी लोग वॉक कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप लोग भी आ सकते हो जो लोग यहाँ पर हैं। रीज़न है कि शॉर्ट ट्रिप प्लान करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ जाता है कौन सी जगह, बट हमारे लिए तो जर्मनी की लोकल जो भी जगह हैं और मतलब जो भी सिटीज़ हैं, हम कहीं भी जाएंगे हमारे लिए अभी नया ही होगा। सच अ ब्यूटीफुल फील हियर, जैसे ही हमने कोबलेंस के अंदर एंटर किया वेदर एकदम, मतलब रास्ते में भी वेदर चेंज था और आते आते मतलब एंजॉय करते आए पूरा वेदर, और फिर आने के बाद यहाँ अब इवनिंग एंजॉय करने का एक अलग ही मतलब बेहतरीन मज़ा है, क्योंकि जब आप फुल डे मॉर्निंग में उठ रहे हो वही वेदर देख रहे हो, आफ्टरनून में वही, इवनिंग में भी सेम, तो आपको क्या मज़ा आएगा। मज़ा ये है सनी के बाद जो एक शाम होती है उसका फील, तो बहुत बहुत सुंदर है।
मैं अभी रवि उधर गया, मैं उधर जाके उस साइड से मेन जो स्पॉट है वो दिखाती हूँ। क्राउड देखिए लोगों का, ऐसा लग रहा है ना कि कोई फेस्टिवल ओकेजन कुछ तो है। टाइम के अकॉर्डिंग ना जैसा मुझे चाहिए वैसा रवि ने डिसाइड किया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ही डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू माई मूड एज नाउअडेज आई एम फीलिंग। दैट्स अ पॉइंट। वाओ, आसपास पूरा सी का जो व्यू है, बीच में इस तरीके से पूरा आपको वॉक के लिए पूरा स्पेस दे रखा है, बहुत प्यारा। अच्छा है हमारे यहाँ वैसे इंडिया में भी ऐसे हिस्टोरिक पीसेस की कमी नहीं है, ऐसे प्लेसेस बहुत सारे हैं। सो शायद आज वही फील आ रहा है कि जैसे कि हम दिल्ली में, जयपुर में और कहीं पर भी किसी भी सिटी में इंडिया के अंदर घूमने जाते हैं तो हिस्टोरिक प्लेसेस देखते हैं, पुरानी जो चीज़ें बनी हुई होती हैं, अंग्रेज़ों के टाइम की बनी हुई होती हैं, वो चीज़ें देखते हैं, वैसे यहाँ पे भी फील आ रहा है। और मेन चीज़ क्या है ना कि बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, बट हाँ ठीक ठाक क्राउड है। रवि मुझे मिल गए। मैंने अपना पर्स आपको थमा दिया। कैसा लग रहा है? टी एंड गुड व्यू, हिस्टोरिक प्लेस, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि मतलब काइंड ऑफ आप एक व्यू होता है ना, यहाँ से पूरी सिटी दिख रही है, कोब्लेंस दिख रही है, बगल में हाईवे जा रहा है, सारी बहुत सारी कंट्रीज के फ्लैग्स लगे हुए हैं, और ये बहुत पुराना कोई मॉन्यूमेंट स्कल्पचर है। या स्कल्पचर, वो देखो कितना मस्त हो जा रहा है। हाँ प्लेन जा रहा है। यहाँ से प्लेन चल रहा है, मुझे तो आप बहुत अच्छा लग रहा है। रवि ऐसा नहीं लग रहा है इंडिया के किसी प्लेस में घूमने आए हैं, क्योंकि हमारे अभी बहुत अच्छे अच्छे हिस्टोरिक प्लेसेस हैं। हमारे अभी लोग बाहर से आते हैं, जैसे दिल्ली, आगरा, बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं घूमने। बट यहाँ कोई किसी को ऐसे नहीं देखता। हमारे यहाँ फॉरेनर्स अगर आते हैं तो हम लोग उनको थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा पॉइंट करते हैं अलग से, है ना। मैं और रवि अभी यहाँ पर वॉक करते करते वी वर जस्ट रिमेम्बरिंग आर लास्ट ईयर मूवमेंट्स, बिकॉज लास्ट ईयर हम थे जापान में और हमने असाकुसा और ओदाइबा में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था। वहाँ पर हुआ था वेलकम 2022 का, और इत्तेफाक से देखिए अब हम यहाँ पर हैं जर्मनी में। और इत्तेफाक मतलब सोचा नहीं था, मतलब उस टाइम पर हमें नहीं मालूम था, ये था प्रोसेस शायद मे बी, नहीं 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 हमें मालूम ही नहीं था उस टाइम पर। तो आज हम यहाँ जर्मनी में हैं और यहाँ पर वेलकम कर रहे हैं 2023 का। आज लास्ट डे है 2022 का। ऐसा लग रहा है ना इस इवनिंग में जैसे एक ईयर की विदाई और एक ईयर का वेलकम कर रहे हैं साथ साथ। तो बहुत अच्छी यादें थी जापान की भी, हमने वो हमारी जो लास्ट ईयर सेलिब्रेशन था न्यू ईयर का वो भी हमने वीडियोज़ वगैरह अपने चैनल पर शेयर करी है। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ के, जैसे आप कहीं भी जाओ किसी रेस्टोरेंट में, होटल में, वहाँ की जैसी हॉस्पिटैलिटी और स्टाफ, लोगों की पोलाइटनेस, वी कांट सी हियर। सो दैट्स द थिंग्स विच आर ऑलवेज इन आर मेमोरी एंड वी कांट नेवर फॉरगेट बिकॉज वी एक्सपीरियंस देयर मैनी गुड थिंग्स। मैं बहुत लकी समझती हूँ जिनको कभी भी मौका मिलता है जापान जाने का, और आप में से किसी को भी जापान जाने का मौका मिले ना तो मेरे वर्ड्स प्रूफ हो जाएंगे। एक बार जाके जरूर देखिए, एक बार ज़रूर जाइए जापान। हमारा सेकेंड ट्रिप होगा, नीदरलैंड गए थे और आज हम यहाँ पर आए हैं। तो
अब यहाँ की जर्नी भी स्टार्ट हुई है, यहाँ पे भी हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं, यहाँ के लोग थोड़ा और भी ज़्यादा बोल्ड हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग भी। यहाँ पर भी सेफ्टी है, फैसिलिटीज़ हैं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट हर कंट्री को समझने में टाइम लगता है। तो आज हम लोग आए हैं ताजमहल रेस्टोरेंट में, गोबलिंस का जो ताजमहल रेस्टोरेंट है। आज देखते हैं कि हाउ मच टेस्टी द फूड है। ये तो हमें टेस्ट करने के बाद ही मालूम पड़ेगा। और जर्मनी के अंदर ताजमहल रेस्टोरेंट का मज़ा आज लेंगे। वही देख रहे हैं मेन्यू में क्या क्या है, क्या ऑर्डर करा जा सकता है, क्या बेटर रहेगा। और यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट है, लेकिन जर्मन्स भी दिख रहे हैं और भी कंट्रीज़ के लोग दिख रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो इंडियन फूड है सबको पसंद आता है, सबको। दही पकौड़ा और समथिंग एल्स। दे यार, मेरे को समोसा खाना है, पकौड़ा शकौड़ा नहीं जमता। मैं समोसा खा लूँगी, मुझे पसंद बहुत है, समोसा बहुत पसंद है। अम्मा लोगों को पसंद होता है ना, पहले ऑर्डर कर लेते हैं फिर दिखाएंगे हमने क्या ऑर्डर किया। ये है हमारा स्टार्टर ड्रिंक में। रवि ने मंगाई है मैंगो लस्सी और ये है फ्रूट लस्सी। एंड रवि खा रहे मलाई टिक्का एंड ये है मलाई नहीं इसमें। एंड यहाँ पर ये है क्या है, दही पकौड़ा। एंड ये है मेरा समोसा, कुछ अलग टाइप का है ना समोसा, पर बड़ा है काफ़ी गर्मा गर्म। मेरा कैमरा फिट नहीं आ रहा है, रहने दो, खाओ तुम खाओ। खाने में इतना बिजी, बहुत तेज़ भूख लगी है। हाँ, यह है चिकन बिरयानी, यह है पनीर, चपाती, चपाती गांव चपाती। बाकी बताओ रवि कैसे हैं? बहुत ज़्यादा मीठे नहीं है, दैट्स अ गुड पार्ट। मैं अभी खा के बताती हूँ कि कैसे लग रहे हैं। अरे गरम, अच्छा था। यहाँ पर जो ये होटल है, रेस्टोरेंट है ताजमहल, यहाँ का फूड मुझे अच्छा लगा है। फूड यहाँ पे आजू बाजू और भी रेस्टोरेंट है, एशियन रेस्टोरेंट भी है बगल में ही। यहाँ का फूड बहुत यम्मी था, बहुत मज़ा आया, हमने बहुत एंजॉय किया अपने डिनर को। और अभी हम थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे, और जहाँ मॉर्निंग टाइम में थे इवनिंग टाइम में, तो हम वहीं जाएंगे और वहाँ पर जाके थोड़ी देर चिल मारेंगे, थोड़ा वॉक करेंगे, क्योंकि खाली है बहुत अच्छे से, वॉक करना भी बहुत ज़रूरी है। और शायद मज़ा आ रहा है दूसरों के क्रैकर्स देखते हुए, बहुत ज़्यादा दूसरों के बचा के यहाँ तक आ गई हूँ मैं, ऐसा लग रहा मेरे ऊपर ही ना गिर जाए, पर ऐसा दिवाली वाला फील आ रहा है यहाँ पे। मेरा भी देखो क्रैकर, ये वो फुलझड़ी है, इतनी बड़ी मेरी फुलझड़ी, फुलझड़ी ली है मैंने बस ऐसे ही एक दो सेलिब्रेशन के लिए। बुझ गया जब तक दिखाया मैंने, दूसरों को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है और क्रैकर्स का न्यू ईयर में बड़ा क्रेज है, तो मैंने भी ले लिए एक दो रवि के पास है, चल के अभी इसको जला देते हैं। आज ग्रोसरी शॉप में देख रहे थे, आज ग्रोसरी शॉप में कैसे लोग ले रहे थे, भर 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 के ट्रॉली, कितना तो मैंने कहीं नहीं देखा। छोटे बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, क्रैकर्स ही क्रैकर्स। और कितना आगे जाएंगे हम, तो वहाँ पे कोई नहीं मिला, तो वहाँ पे कितनी अच्छी लोकेशन है, वहाँ बैठेंगे, इतनी बड़ी फुलझड़ी वहीं पे करेंगे ना, आराम से जलाएंगे वहाँ पे।
Wishing you a very healthy and prosperous happy new year. और अभी तो हम breakfast कर रहे हैं, लेकिन कल हम बहुत tired थे क्योंकि हमने खूब walk करी है after dinner और बहुत enjoy किया हमने. और enjoyment के साथ साथ मतलब हमारा जो experience हमें मिला कल का कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन फर्स्ट टाइम लाइफ में हमारे यहाँ दिवाली में भी इतना धूमधड़ाका नहीं होता है पॉल्यूशन की वजह से. अच्छा है, नहीं करते हैं, बट यहाँ पर ईयर का पूरा एक ही एक तरीके से फेस्टिवल है. तो कल खूब लोगों ने फायर क्रैकर्स एंजॉय किए, लेकिन जो पीक पॉइंट था 12 o'clock का जब न्यू ईयर स्टार्ट हुआ, भाई बहुत ज़्यादा धूमधड़ाका हुआ. ऐसा धूमधड़ाका देखा ही नहीं. थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाया क्योंकि क्राउड था और रवि बराबर मेरा ध्यान भी रख रहे थे. और हम हमेशा ही मतलब जब भी बाहर निकलते हैं दोनों ही लोग हमेशा वाटर बॉटल साथ में रखते हैं, मतलब हाइड्रेट रहने का हमेशा ध्यान रखते हैं. वैसे ही इस समय तो खासकर मैं बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हूँ. और मैं जब तो टायर्ड हो रही थी तो मैं आराम से बैठ भी रही थी. मैंने मतलब दूसरों के फायर क्रैकर्स को बहुत इन्जॉय किया. हमने तो जो लिए थे थोड़े से उसमें भी मतलब हमारे एक एक बच गए कुछ कुछ इतना रस था कि हम चाह के भी हमने दोबारा उसे पढ़ने की कोशिश नहीं की. जगह नहीं थी कि आप कहाँ पे उसको आप फर्स्ट करोगे. तो फिर हमने सोचा कि नहीं, अब चल के अपने घर पे ही हम उसे अब चलाएंगे. और इतना अच्छा नींद सोए हम लोग रात में भी. पहले रूम में आए, हमने चेंज वेंज करके टीवी ऑन किया एंड थोड़ी देर रवि भी एंजॉय कर रहे थे, अपना थोड़ा सा चिल मार रहे थे. और फिर मैं भी थोड़ा सा टीवी भी देखे और फिर आराम से सो गए. बट सुबह भी हम आराम से उठे, अभी फटाफट हमने शावर लिया, चेंज वेंज किया और ब्रेकफास्ट में हम बिल्कुल ऐसा लग रहा था लेट हो गए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा. बट हाँ, ऑब्वियसली बात है कल मोस्टली लोग देर से ही सोए होंगे क्योंकि जब हम घर आए हैं मतलब सॉरी होटल आए हैं, कितने बजे आए हैं, 1 o'clock के अराउंड आया हूँ मैं. और तब भी लोग वहाँ पर थे, ऐसा नहीं कि आ रहे थे, ऐसा नहीं कि 12 o'clock के बाद लोग हट गए थे. अभी मैं खा रही हूँ कॉर्नफ्लेक्स. सच बताऊँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है, हमारे काम भी हो गए, हमने एक ट्रिप भी कर लिया, न्यू ईयर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, मतलब एक एक्सपीरियंस भी आया कैसे होता है यहाँ पे जर्मनी में न्यू ईयर सेलिब्रेट. बहुत अच्छे से होता है, बहुत धूमधड़ाके के साथ होता है, बहुत मजा आई. फिर रूम में आने के बाद हमने कुछ शूट वूट भी नहीं किया, बहुत थक गए थे. ये कितना अच्छा लग रहा है, फ्रूट्स के कलर कितने प्यारे होते हैं, कलरफुल फ्रूट. यहाँ के लोग लिटरली कितना ट्रस्ट करते हैं ना. कल शाम को मैंने एक ड्रिंक भी ली थी और मुझे 2 hours एक्सटेंड करना पड़ा बिकॉज हम लोग टायर्ड फील कर रहे थे. तो 2 hours का पैसा प्लस कल वाला जो था पूरा अमाउंट मैंने यहाँ पर रख दिया, क्योंकि वो मुझसे 2 hours पहले आए थे, बोला कि मैं वहाँ पर नहीं होऊंगा तो आप अपना पैसा प्लस की वहाँ रख दीजिएगा, बाकी फिर हम देख लेंगे. सो इट्स काइंड ऑफ वेरी ट्रस्ट कि उन्होंने ट्रस्ट किया कि भाई जो भी हमने ड्रिंक ली थी, जो भी हमने एक्सटेंड किया, उसी मनी हम यहाँ पर रहते हैं और वो उसी से बिलीव कर पाए. इट्स वेरी गुड थिंग. द सेम थिंग वी हैव फाउंड इन जापान. भाई मैंने देखा रिसेप्शन में तो कोई है नहीं.
ये इस तरीके से यहाँ पर मनी कैश यहाँ पर इस तरीके से करके रख दिया है और की रख दी है इस तरीके से करके। वाह, बहुत ही अच्छा हमारा ट्रिप रहा, बहुत ही अच्छे से हमारा न्यू ईयर सेलिब्रेट हुआ। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके हमें बहुत अच्छे से रेस्ट भी कर लिया क्योंकि रवि को ड्राइव करना था। सो वन टाइम मोर हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अब हम लीव कर रहे हैं इस प्लेस को भी, होटल को भी। सो निकलते हैं अब यहाँ से और पहुँचने में हमें अराउंड 2 आवर्स लगेगा टाइम। सो आप लोग अपना ध्यान रखिए और इस नए साल को एंजॉय करिए और नए साल में खूब मेहनत करिए और खूब लाइफ में आप ग्रो करें और हेल्दी रहें, यही हमारा मतलब विशेज़ है आप लोगों के लिए। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, ट्रॉफी है कैंडीज फॉर मी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग क्या करेंगे, हाँ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट्स भी करिए ताकि हमें कमेंट्स पढ़ के भी अच्छा लगेगा कि किसने कौन सा कैसा कमेंट किया है। और हम रिप्लाई भी करेंगे कमेंट्स के। और बस यहीं पर एंड करते हैं, आप लोग को यही करना है बस, और वीडियोस को एंजॉय करिए, और भी नई नई वीडियोस आएंगी उसको भी आप एंजॉय करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।